मैंने अमेज़ोन से एक रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किया है, अभी उनकी तरफ से कॉल आई है कि वो डेमो के लिए आ रहे हैं। तो अमेज़ोन क्या कर रहा है, अमेज़ोन मतलब जो भी लोकल उनके, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली का सेलर बेच रहा है और यूपी में उसने मंगाया है, तो यूपी के जो लोकल उस कंपनी के सर्विस सेंटर है वहाँ से कॉल आ रही है, वो डेमो दे के जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का, किस तरीके से वो प्रोडक्ट अभी इंस्टॉलेशन करके जाएंगे। इसका प्राइस 13,000 है और ये जो मुझे मतलब डील में मिला है ये 11,000 का हुआ है, 500 इस पर कैशबैक मिला है। तो ये अमेज़ोन से मैंने मंगाया था, तो अभी देखते हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए आने वाले हैं, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं और कैसे डेमो देते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। डेमो का मतलब ये है कि हम इसमें पूरी तरीके से उसको चेकआउट करें। इंजीनियर्स जब आता है आपके यहाँ तो इसको पूरा खुद अपने हाथ से ओपन करता है, ताकि कंपनी बाद में कस्टमर ये ना कहे कि इसमें ये पार्ट्स टूटा हुआ निकला या कुछ भी पार्ट्स में ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्वयं खुद इंजीनियर जो है इसको खोलता है और चेकआउट करता है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई पार्ट्स टूटा हुआ नहीं है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा कुछ टूटा हुआ हो या पीछे एजेंसी कंपनी के द्वारा कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम आई हो, तो सारी चीज़ को चेकआउट करते हैं। तो उस तरीके से हम इसको खोल के और पूरी तरीके से हम इसको संतुष्टि करते हैं कि हमारा फ्रिज ओके आप तक पहुंचा है। अमेज़न आपको डीलिंग करती है, आपको उसने बिलिंग कर दिया, उसके बाद आपको उन्होंने डीलर मान लीजिए जी, आपने एक डीलर से लिया जी। वैसे आपने अमेज़न से ले लिया, अमेज़न से लेने के बाद आपके पास प्रोडक्ट पहुँच गया, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म, अब कंपनी की आपके और कंपनी और कस्टमर के बीच, हाँ कंपनी और ये कस्टमर की जिम्मेदारी, आई मीन कंपनी की जिम्मेदारी होगी ये प्रोडक्ट आपके पास है, हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स या कुछ है जब तक वारंटी में सब तो कुछ कंपनी इसको करेगी। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। ऊपर उठाइएगा सीधे, ये दो है ओके। जिस तरह हमने इसको खोला ओपन किया, उसके बाद पूरी तरीके से हम इसकी बॉडी को चेकआउट करते हैं कि बॉडी में कहीं डेंट या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेंट वगैरह या कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आया जो शिपिंग के टाइम पे जैसा हो जाता है। हाँ ट्रांसपोर्ट में कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें उसी तरह हम इसको पूरी तरीके से पूरा चेकआउट करते हैं चारों तरफ से कि किसी तरीके से कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आई हो। ओके उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये सारी सील्ड चेकआउट करते हैं हम इनको, ठीक है इनमें डिफेक्टिव कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हम इसके सारे पार्ट्स को चेकआउट करते हैं, चेकआउट करने के बाद इसकी संतुष्टि करते हैं कि ये हमारा ठीक है। उसके बाद जब आप इसको लेके आते हो डीलर से आपके घर तक पहुंचता है, उसके बाद इसको हम कम से कम 3 घंटे या ढाई से तीन घंटे इसको ऑफ रखते हैं, ताकि जब ये शिफ्टिंग में आया है ट्रांसपोर्ट से आया हमारे पास, तब इसकी गैस जो गैस होती है वो पाइप में जाती है। उस समय क्या कि ऑयल वगैरह भी जब झटके वगैरह लगता है तो उसमें ऑयल वगैरह भी जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसको रखते हैं तो रेगुलर सारा सिस्टम डाउन होकर आराम से जो ऑयल वगैरह जाता है वो आराम से सारा सिस्टम नीचे आ जाता है, मतलब वो पाइप में जो जाता होगा ऑयल वो वापस, हाँ वापस अपनी जगह पे आ जाता है। उसके बाद हम इसको 2.5-3 घंटे के बाद उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसको प्लग लगा के हम इसको स्टार्ट करते हैं, कम से कम हम इसको 2.5-3 घंटे खाली कम इसको फ्रिज को चलाते हैं बिना कुछ भी सामान इसमें रखे। वो इसलिए ताकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ये अंदर पूरा मेंटेन कर ले। जब ये पूरा अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद हम इसके अंदर
अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। तो पहले डिलीवरी के बाद 3-3.5 घंटे में ऐसी रखना है? हाँ, जब आप हाँ स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप 3 घंटे चलाना है आपने खाली बिना सामान रखे हुए, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। यदि आपने आते ही चला देता, कई बार होता है कि ऑयल वगैरह उसमें होता है तो चॉकिंग का डर होता है। हाँ, जैसे आपने मान लीजिए अभी ट्रांसपोर्ट से आपके पास आया, उसमें झटके वगैरह लगते हुए टेढ़ा करके आता है, ऐसे करके आता है, तो जब आपके ट्रांसपोर्ट्स के आपके पास आता तो आपको नहीं पता सीधा कहाँ टेढ़ा गया, ऐसे जैसे भी आता है तो उसमें क्या है कि ऑयल वगैरह जाता है। तो अगर आते ही आपने चला दिया, कई बार बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है, इसमें चॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। उस कंडीशन के लिए हम इसको पहले रखते हैं। आपके सारे पार्ट्स चेकआउट कर दिए गए, ये ओके है।